भारत की हार के बाद कई ऐसे रिकॉर्ड्स बन गए हैं जिसे कप्तान विराट कोहली कभी नहीं भूलना चाहेंगे। इस मैच के दौरान दोनों टीमों की तरफ से बने ये 11 रिकॉर्ड्स हम आपको दिखाना चाहेंगे। इन रिकॉर्ड्स में विराट कोहली का रिकॉर्ड भी है। इंग्लैंड की ये भारत के खिलाफ 8वीं जीत थी। इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 14 मैच खेले गए थे, जिसमें दोनों ही टीमों ने 7-7 मैच जीते हुए थे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड की ये पहली जीत है, तो वहीं इस मैदान पर भारत की ये पहली हार है। इससे पहले इस स्टेडियम में भारत ने एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ साल 2012 में खेला था, जिसे भारतीय टीम ने जीता था। आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय कप्तान विराट कोहली का ये T20 करियर का 300वां मैच था। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली तीसरी बार जीरो के स्कोर पर आउट हुए हैं। इससे पहले साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर 2018 में आयरलैंड के खिलाफ और तीसरी बार इंग्लैंड के खिलाफ। विराट कोहली का यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28वां शून्य था। टेस्ट में 12वां, वनडे में 13वां और T20 में 3 बार वो शून्य पर आउट हुए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा बार विराट कोहली आउट हुए हैं। विराट 14वीं बार जीरो पर पवेलियन लौटे हैं। अब विराट से नीचे पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का नाम है, जिनके नाम 13 बार जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड दर्ज है। विराट का ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं काफी शर्मनाक है। ये पहली बार है जब विराट कोहली अपने इंटरनेशनल करियर की 475 पारियों में से लगातार 2 बार डक पर आउट हुए हैं। अब बात टीम इंडिया के ओपनर की करते हैं। मैच के दौरान केएल राहुल और शिखर धवन दोनों बोल्ड हो गए थे। ये पहली बार है जब दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाज घर में एक T20 मैच में बोल्ड हुए हैं। स्पिन की कमान संभाल रहे युजवेंद्र चहल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने बुमराह के 59 विकेट को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया। चहल के T20 क्रिकेट में भारत के लिए 60 विकेट हो गए हैं। तो पहले T20 पर 11 रिकॉर्ड्स की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी राय कमेंट और लाइक के जरिए दे सकते हैं। और अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो बल्लेबाजी.com एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। इसमें आप अपनी टीम बनाकर इनाम जीत सकते हैं। हमारी इस खबर के नीचे इस ऐप का डाउनलोड पैच, हमारी इस खबर के नीचे ऐप को डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उस लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।